माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छेंगे और आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक हाइबरनेशन। सच नाम ऐसा इकोनॉमिक हाइबरनेशन क्या हाइबरनेशन, और जब विंटर काल में जब कोई जानवर सो जाता है, तो जानवर शीत काल में जो विंटर होता है, जो स्लीपिंग करता है, इसी बोलते हैं विंटर। विंटर यानी जाड़े में जानवर द्वारा जो सोया जाता है उसी को होते हैं विंटर। अब इसका इकोनॉमिक हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन मतलब कि शीतकाल में जो जानवर लंबे समय तक सोते हैं और गर्मी में भोजन इकट्ठा करते हैं, इसी पीरियड को बोलते हैं हाइबरनेशन। यानी स्लीपिंग ऑन एनिमल इन विंटर सीजन एंड स्टोरिंग द फूड ड्यूरिंग समर सीजन, दिस इज नॉन हाइबरनेशन। ओके मैच। अब इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? जब कोई जानवर ठंडी में सोएगा और गर्मी में भोजन इकट्ठा करेगा, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम बना रहेगा। अब जब नेचुरल इकोसिस्टम बना रहेगा तो नेचुरल रिसोर्सेज भी बना रहेगा। जब नेचुरल रिसोर्सेज बना रहेगा तो फिजिकल रिसोर्स भी जनरेट होगा, और जब फिजिकल रिसोर्स जनरेट होगा तो फिर मार्केट में प्रोडक्शन भी जनरेट होगा। फिर जब मार्केट प्रोडक्शन जनरेट होगा तो इनकम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम भी जनरेट होगा, और जब इनकम जनरेट होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा, और जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, और जब सेविंग इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन भी जनरेट होगा। यानी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक साइक्लिक वे में चलती रहेगी, प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन सेविंग। तो हम कह सकते हैं कि हाइबरनेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा। ओके मैच। तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक हाइबरनेशन। ओके मैच। अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब जरूरूंगा। और अगर नहीं तो विश योर वे, मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे बढ़ रहे, दिन दूरी रात चौबरी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े। और मेरा मन वीडियो आपके लिए, आप समझ सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज जस्ट नेवर गेट्स। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंश, हर हर महादेव, हर हर महादेव।